हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज में टेकिंग देने का आसान तरीका सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम टेकिंग कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज में कुछ फैब्रिक ऐसा होता है जिसको हम टेकिंग देते हैं तो अलग हो जाता है या उसका कपड़ा है सो फूल जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पर लाइनिंग दे देंगे कि हमको कहाँ कहाँ टेकिंग देना है। अच्छे तरीके से पूरा सेंटर मिला लेंगे और उसके बाद उसको पलट देंगे और इधर जो हम डबल फोल्ड किए थे फिर उसको उल्टा साइड से डबल फोल्ड कर देंगे और फिर इसके उल्टे साइड देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा इधर भी मार्क हो गया है वह है। तो इस पर हम लाइनिंग खींच देंगे तो दोनों तरफ हमारा एक बराबर और एक ही साइज का एक रंग का हो गया है टेकिंग का मार्क। तो इसे हम ऊपर से सीधा सिलाई चला देंगे ताकि हमारा जो अस्तर है वो ब्लाउज के फैब्रिक से अलग ना हो और इससे टेकिंग भी मजबूत होगा और टेकिंग देते समय फैब्रिक भी नहीं हटेगा, अस्तर भी नहीं फूलेगा। ये बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग लुक आएगा। तो इस टाइप से हम उसको सारे टेकिंग को ऊपर से सिलाई चला लेंगे और ये पक्का सिलाई भी हो सकता है, आप चाहे तो इस पर कच्चा सिलाई भी चला सकते हैं। तो सारे टेकिंग पे हम दोनों साइड चला लेंगे। हमारा सारा टेकिंग पर सिलाई चल चुका है तो अभी से हम फिर टेकिंग देना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा टेकिंग थोड़ा भी नहीं और इधर हम दिए हुए हैं तो उससे थोड़ा धागा बच गया हुआ, उसको हम हटा लेंगे। इससे मेरा कपड़ा साफ हो जाएगा और इधर पूरा क्लीन नज़र आ रहा है। तो चलिए हम टेकिंग देते हैं और इस टाइप से जब सिलाई चल गया होता है तो टेकिंग देने में थोड़ा भी कपड़ा ख़राब नहीं होता है, थोड़ा भी टेढ़ा भी नहीं होगा, बहुत अच्छा और बहुत फिनिश के साथ हमारा टेकिंग बनकर तैयार होगा। तो इस टाइप से हम टेकिंग दे देंगे। जैसे जैसे हमने मार्किंग किए हैं, जैसे जैसे सिलाई चलाए हैं, उसी प्रकार से सीधे में टेकिंग देकर हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। इससे हमारा अस्तर थोड़ा भी नहीं फूलेगा और बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज का टेकिंग बनकर तैयार होगा। तो इस टाइप से एक एक करके हम सारे टेकिंग दे देंगे। तो इस प्रकार हमारा सारा टेकिंग हो चुका है। देखिए इसका एक साइड का कितना खूबसूरत फिनिशिंग आया है, थोड़ा भी किधर से भी किसी भी तरफ से थोड़ा भी नहीं फूला है और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो गया है। इसी टाइप से हम दूसरे तरफ भी दे लेंगे और हमारा ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट का टेकिंग बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कोई भी रिंकल्स नहीं है और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार भी हो गया है। तो इस टाइप से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, किसी भी ब्लाउज के फैब्रिक में अस्तर लगाते समय इस टाइप से करके अगर आप टेकिंग देते हैं तो थोड़ा भी नहीं फूलेगा, बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपका ब्लाउज का फ्रंट पार्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, थोड़ा भी रिंकल्स नहीं आएगा टेकिंग में। और उसको फिर हम अलग अलग कर देंगे और दोनों तरफ टेकिंग होता है तो हो गया हुआ है। इसका जो बटन पट्टी होता है ना, काज पट्टी बटन पट्टी सब हम बना लेंगे। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिए, इस टाइप से हम एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं। चैनल बनाया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस टाइप का वीडियो हम और बना सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर कोई हेल्प हो रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। इस टाइप से पट्टी लगाइएगा तो बहुत ही खूबसूरत इसका फिनिशिंग आएगा। अगर आप हुक यूज करते हैं तो इस पट्टी में हुक लगेगा। हम डबल फोल्ड कपड़ा लगाते हैं
ताकि ये बाद में थोड़ा भी मुरझाता नहीं है, बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग लगता है। तो इस तरह से मेरा बटन पट्टी बनकर तैयार हो गया है, जिसमें हम हुक लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग रूप से तैयार हुआ है। और दूसरे वाले जो पल्ला है उसमें हम जो काज बनाएंगे बटन के लिए, तो हमने कुछ चौड़ा कपड़ा ले लिया है। आप अपने हिसाब से इसका पट्टी ले सकते हैं, आप चाहे तो पतला भी रख सकते हैं। तो हम कुछ चौड़ा पसंद करते हैं, तो इसकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा ही हम ले लिए हैं। और इस टाइप से इसको सीधे तरफ से सिल कर उसके बाद पलट के इस पर दो सिलाई चला देंगे, तो हमारा ब्लाउज का जो दूसरा भाग है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा।